हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि मोनो किचन। तो आज आदि मोनो किचन से मैं आपके साथ फिर से आंवले की एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले भी मैंने आंवले की आपके साथ बहुत सारी रेसिपियाँ शेयर करी हैं, तो अगर आप चाहें तो उन्हें मेरे चैनल में जा करके देख सकते हैं। और बनाना बहुत ही सिंपल है इस रेसिपी को, झटपट बन करके तैयार हो जाने वाली है ये। और इसे बनाने के लिए ना तो आज हम आंवले को उबालेंगे और ना ही कोई मेहनत, फटाफट से बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं आंवले की इस टेस्टी चटपटी सी न्यू रेसिपी को। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए 500 ग्राम मैंने आंवला लिया था, और ये देखिए एकदम बड़े साइज के आंवले आपको यूज करने हैं, और ऐसे आंवले यूज करने जिसमें बिल्कुल भी दाग धब्बे ना हो, एकदम फ्रेश आंवले होने चाहिए। और अगर आप थोड़े बड़े साइज के आंवले लेंगे ना तो उसमें कसेलापन थोड़ा सा कम होता है। ये आंवलों को मैंने धो करके कपड़े से अच्छे से सुखा करके ले लिया है। तो जब भी आंवले की कोई भी आप रेसिपियाँ बनाएं, आंवले को 2-3 पानी से धोने के बाद उसे पहले अच्छे से सुखा लें, उसके बाद ही आप उन्हें यूज करें। और 8 से 9 मैंने हरी मिर्च ली है, 100 ग्राम लिया है अदरक, तो अदरक मिर्ची को भी मैंने धो करके सुखा कर ले लिया है। तो सबसे पहले ये जो हमने मिर्ची ली है इन्हें हम कट कर लेंगे। इसे इसमें कट लगाएंगे और इसे 4 पीसेस में कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अदरक मिर्ची को हमने कट कर लिया, तो इन्हें साइड में रख लेंगे। ये मैंने रेगुलर वाला ग्रेटर लिया है, तो आंवले को हम ग्रेट करेंगे। आंवले को हमने ग्रेट कर लिया है, तो ये ग्रेट किए हुए आंवले को हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, जिसमें हम सभी चीजें मिक्स करने वाले हैं। इसमें हम कट किया हुआ अदरक भी ऐड कर देंगे। मिर्ची को भी डाल देंगे और इन सभी चीजों को हम साइड में रखेंगे और इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। गैस के ऊपर पैन रखा है, तो उसमें हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 चम्मच मैंने लिया खड़ा धनिया और 1 चम्मच लिया है जीरा। आंवले की रेसिपी बना रहे हैं तो धनिया का यूज कम ही करेंगे। 1 चम्मच ली है मैंने ये पतली वाली सौंफ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। 1 चम्मच खड़ी वाली काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1/2 चम्मच इसमें मैं मेथी दाने भी डाल रही हूँ। अब सभी मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये 5 तरीके के खड़े मसालों से बनकर के तैयार होता है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सिर्फ इसे हम 2 मिनट के लिए हल्का सा भुनेंगे। 2 मिनट हो गए, मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, और ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, और इन्हें हल्का ठंडा करने के बाद दरदरा हम पीस करके तैयार करेंगे। अचार में डालने के लिए सरसों का तेल रखा है गरम करने, ये छोटी कटोरी भर करें। अगर स्पून से मेजरमेंट करेंगे तो जो बड़ी वाली स्पून आती है उससे हमने 2 बड़े चम्मच ये ऑयल लिया है। तो ये ऑयल को हमें तब तक गर्म करना है जब तक कि ऑयल में से धुआं नहीं छोड़ने लगता, तब तक इसे हम गर्म करेंगे। और जब भी आप कोई भी अचार बनाए तो आप सरसों के तेल का ही यूज़ करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उस अचार में। ये ऑयल हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है, और ये देखिए ऑयल में से धुआं उठने लगा है। बस ऑयल को हमें इतना ही गर्म करना है, तो गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे हम ठंडा होने देंगे। आंवला अदरक मिर्ची को हम पहले मिक्स कर देंगे। इसमें अब हम मसाले ऐड करेंगे। ये जो हमने अभी सभी मसालों को भून करके रखा था उनको पीस करके इनका पाउडर तैयार कर लिया है, तो 2 टेबल स्पून ये मसाला डाल देंगे। पूरा मसाला हमें नहीं डाला है, आप इसे रख लें और वापस से जब कभी अचार बनाएं तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस मसाले को। काली वाली सरसों को मैंने दरदरा पीस करके ले लिया है, तो 2 टेबल स्पून हम ये सरसों पाउडर भी डाल देंगे। ये सरसों को आपको दरदरा ही पीसना है, और अगर आप इसे घर पर नहीं तैयार करना चाहते तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें तीखी वाली हरी मिर्च भी डाली है। मिर्ची पाउडर का यूज़ हम सिर्फ कलर के लिए कर रहे हैं। 1 चम्मच खड़ी सौंफ और डालेंगे हम, 1 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करें। और ये जो हमने सरसों के तेल को गर्म करा था, तो ये तेल भी हल्का सा ठंडा हो गया है, हल्का गुनगुना रहे तभी आपको इसमें मिक्स करना है, पूरा ठंडा नहीं करना है। 1 बड़े चम्मच ऑयल में अभी डाल रही हूँ। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम ऑयल डालते जाएंगे। एक बड़े चम्मच ऑयल हम और डाल रहे हैं। इसमें मैंने 1/2 नींबू लिया है, नींबू के बीज निकाल दिए हैं, तो इसका हम इसमें रस डाल देंगे। आप इसमें नींबू की जगह पे 1 टेबल स्पून विनेगर का यूज़ भी कर सकते हैं। नींबू डालने से इसमें जो हमने हरी मिर्ची और अदरक का यूज़ किया है उसमें भी हल्का सा खट्टापन आ जाएगा और उसका तीखा कम हो जाएगा। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आंवला मिर्ची और अदरक के साथ में।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जब अचार बनाए तो उसमें मसाले की क्वांटिटी कम है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें और मसाले ऐड कर सकते हैं और मसालों को अच्छे से मिक्स कर दें, और ये बहुत ही टेस्टी चटपटा सा आंवले अदरक मिर्ची का लच्छेदार अचार हमारा तैयार है। ये देखिए लग रहा है ना कितना बढ़िया देखने में। आप इसे रोटी पूरी पराठा दाल चावल किसी के भी साथ में एंजॉय कर सकते हैं। बनाना बहुत ही सिंपल है, आप इसे 2 से 3 दिन में खा भी सकते हैं और आप इसे 6-8 महीने तक रख सकते हैं। बनाना बहुत ही सिंपल है। जब आप इस अचार को बनाएं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जिस भी कांच के एयरपैक कंटेनर में आप अचार को रखने वाले हैं वो कंटेनर आपका एकदम सूखा होना चाहिए, और जब भी आप अचार खाने के लिए निकालें तो आपको स्पून भी ऐसी लेनी है जो सूखी हो। गीली स्पून का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपके अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आती रहे। तो मैं ऐसी एक और नई रेसिपी लेकर आऊंगी। बाय बाय एवरीवन।